बाबूजी, अब मैं कल से अंग्रेजी हुकूमत के स्कूल में पढ़ने नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा पढ़ने स्कूल में। अटल, तुम उसी स्कूल में पढ़ने जाओगे और कल से जाओगे, और इस बात पे अब कोई बहस नहीं होगी, समझे तुम? और एक बात कान खोल कर सुन लो, अब तुम ये बार बार बोलना बंद करो कि तुम अंग्रेजी हुकूमत के स्कूल में पढ़ने नहीं जाओगे। तुम्हें उसी स्कूल में पढ़ना है बेटा, उसी स्कूल में, उन्हीं अंग्रेजों के साथ। अब जाओ और जाकर मुंह हाथ धो और खाना खा लो, तुम्हारी मां ने खाना निकाल दिया है, जाओ। अटल, तुम्हें क्या लगता है कि हम इन अंग्रेजों के गुलाम हैं तो इस बात की मुझे खुशी होती है? नहीं, जी जलता है मेरा, आत्मा रोती है, पर क्या करें बेटा, और कोई चारा भी तो नहीं है। कभी कभी जीवन में हमें समाज के आसपास के जगहों को, समाज के माहौल को देखकर बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है, तब आदमी जी पाता है, समझे तुम? अरे बार बार तुम बोलना बंद करो कि तुम अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ोगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अंग्रेजी स्कूल में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ताकि तुम अंग्रेज बन जाओ? नहीं बेटा, कतई नहीं। तुम्हें अंग्रेजी स्कूल में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि तुम पढ़ लिख कर समझदार बन सको और उन अंग्रेजों के साथ आंखों में आंखें डालकर बात कर सको, बहस कर सको। देखो बेटा, ये अंग्रेज जो सत्ता में हैं, आज हैं तो कल नहीं रहेंगे, कल कोई और सत्ता में रहेगा, लेकिन ये समाज, ये देश, ये परिवार निरंतर चलता रहेगा। इसलिए तुम्हें पढ़ लिख कर समझदार बनना होगा, इसी अंग्रेजी स्कूल में पढ़कर, ताकि तुम्हारे दिमाग की सारी गुत्थियां खुले और इन अंग्रेजों के साथ वक्त आने पर बहस कर सको, समझे? और अटल, जीवन में मेरी बात एक हमेशा याद रखना बेटा, जिम्मेदारियां मजबूत कंधे ढूंढती हैं, इसलिए पहले अपने इन कंधों को मजबूत बनाओ। अगर तुम्हारे कंधे मजबूत रहेंगे ना, तो ये जिम्मेदारियां खुद ब खुद तुम्हें ढूंढ लेंगी। और अगर तुम पढ़े लिखे रहे ना बेटा, तो इस देश की सत्ता चलाने के लिए, इस सत्ता पर राज करने के लिए, अपने देशवासियों के लिए कुछ करने के लिए, अपने इस भारत माता के कुछ करने के लिए, तुम तभी कुछ कर पाओगे जब तुम पढ़े लिखे रहोगे और तुम्हारे कंधे मजबूत रहेंगे, समझे? इसलिए तुम्हें इसी अंग्रेजी स्कूल में जाकर उन अंग्रेजों के बीच में पढ़ना होगा बेटा, अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए, समझे? शाबाश, अब जाओ और जाकर मुंह हाथ धो लो, तुम्हारी माँ ने खाना निकाल दिया है और तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे साथ खाना खाएंगी, जाओ। और कल के स्कूल के लिए अभी से तैयारी कर लेना बस्ते में, जाओ। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा।